बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमल के फूल में गेरुआ रंग क्या भरा कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ बिहार की राजनीति गर्मा गई है तो वहीं विपक्ष इस पर चुटकी लेने से बाज नहीं आया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में आयोजित पुस्तक मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित मधुबनी पेंटर बउआ देवी ने कलाकृति के रूप में कमल को कैनवास पर उकेरा था, जिस पर नीतीश कुमार ने गेरुआ रंग भरा और उस पर अपने हस्ताक्षर किए। ऐसे फूल में नीतीश कुमार ने गेरुआ रंग क्या भरा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद अब इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार कमल के फूल में अपना राजनीतिक रंग भर रहे थे और वो लालू जी को बार बार जरूर दिखाते रहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं। तो वहीं इस मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि कमल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, कितने घरों को लालटेन उजाला देता है। अगर इस बात पर किसी को ज्यादा खुशी मिल रही हो तो ये अच्छी बात है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का कमल के साथ काफी पुराना नाता रहा है। उन्होंने बिहार में करीब 7 साल बीजेपी के साथ मिलकर शासन किया है, लेकिन बीजेपी से अलग हो जाने के बाद अब वह बीजेपी के आलोचकों में शुमार किए जाते हैं। पटना का पुस्तक मेला 4 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक खत्म हो जाएगा, लेकिन कमल के फूल में नीतीश कुमार का भरा गेरुआ रंग एक तरफ सोशल मीडिया में छाया हुआ है तो वहीं सियासी गलियारों में बवाल मचा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।